भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का गाना, जी हाँ, मच अवेटेड गाना राजस्थानी घाघरा। याद है आपको कि इस गाने का कितना क्रेज लोगों के बीच था और आज भी होगा, नो डाउट। लोग भूले नहीं हैं कि राजस्थानी घाघरा का वीडियो कब आएगा, क्योंकि वीडियो तो शूट हुए जमाना हो गया है, लेकिन अभी तक न यार 75 का वीडियो आया है और ना ही राजस्थानी घाघरा का। लोग इसके वीडियो का वेट कर कर के बोर हो चुके हैं। जी हाँ, लोग बोर इसलिए हो चुके हैं कि एक कोई भी फिक्स डेट आती ही नहीं है, चाहे वो पवन सिंह का कोई भी गाना हो। आजकल ये देखा जा रहा है कि पवन सिंह के जितने भी गाने आते हैं वो डिले हो कर ही आ रहे हैं। इसके पीछे पवन सिंह अपनी पूरी तो मेहनत लगा दे रहे हैं, लेकिन फिर कौन है जो पवन सिंह की इस सुपरस्टारडम के पीछे पड़ा हुआ है, उन्हें गिराने के पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि पवन सिंह के जो लोग टेक्निकल वर्क कर रहे हैं वो वर्क के मामले में बहुत ही ढीले हैं। बात राजस्थानी घाघरा या यार 75 की हो जाए तो आपको पता भी है इस गाने के लिए इतना बड़ा क्रेज बढ़ा था कि अगर ये गाना ऑन टाइम आ जाता तो शायद इसके इतने व्यूज़ आते कि जितना किसी ने कल्पना न की हो, शायद पवन सिंह के मोस्ट अवेटेड वीडियोस में से एक होता। वैसे टाइम पर ना आने की वजह से ही लोगों के बीच इस गाने का क्रेज़ ख़त्म हो गया है। लोग शायद धीरे धीरे भूल रहे हैं, ऑडियो से काम चला ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं आज नहीं कल आ जाएगा। और ऐसे ही एक दिन अनाउंस होगा कि राजस्थानी घाघरा आ रहा है और तब कई लोग ऐसे होंगे जो कि इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। लोगों को लगेगा कि ये एक अफवाह मात्र है, जैसे कि हम कई बार वीडियोस बना देते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कल पोस्टर आ जाएगा, परसों पोस्टर आ जाएगा और हम वीडियोस बना देते हैं। दर्शक इसी उधेड़बुन में रहते हैं, इसी विश्वास पे रहते हैं कि हो सकता है आ जाए और फिर नहीं आता है। उसका मेन कारण यही हो जा रहा है कि पवन सिंह के जो भी वीडियोस हैं थोड़े लेट इसलिए हो रहे हैं कि उन्हें टेक्निकली तौर पर उतने परफेक्ट तरीके से ऑन टाइम रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। अगर यही वीडियोस ऑन टाइम रिलीज़ होते तो आज हो सकता है राजस्थानी घाघरा पवन सिंह का सबसे बड़ा गाना बनकर उभरता और फास्टेस्ट 100 मिलियन क्लब में जाता। जी हाँ, और 100 मिलियन क्लब में जाना किसी भी सिंगर का गाना बहुत ही प्रेस्टीजियस माना जाता है। तो अब आप क्या सोचते हैं, क्या पवन सिंह अपना काम करके हट जा रहे हैं पूरी ईमानदारी से और अपने डिपार्टमेंट से खबर नहीं ले रहे हैं कि वीडियोस कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है? वैसे भी पवन सिंह की इसमें गलती देना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उनके पास एक नहीं हजारों वर्क हैं और ऐसे में इतना वर्कलोड लेकर कोई भी आर्टिस्ट अपने जो म्यूज़िक कंपनी है उसे हमेशा प्रेशर तो नहीं दे सकता, क्योंकि वो एक छोटा मोटा कलाकार तो नहीं है कि जिसके वजह से, जिस गाने की वजह से उसकी ज़िंदगी रुकी हुई है या उसका कैरियर दांव पर लगा हुआ है। पवन के जीवन में ऐसे कई गाने आए हैं, लेकिन ये कंपनी का काम है कि उन गानों को बेहतरीन ढंग से रिलीज़ करे और पवन का क्रेज़ ऐसे ही, उनके गानों का क्रेज़ ऐसे ही लोगों के बीच बरकरार रखे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।